मध्य प्रदेश में 12वीं की एक नाबालिग छात्रा ने छतरपुर के चंदला से बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति के भाई कमलेश प्रजापति पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी पिछले 10 महीने से उसका शोषण कर रहा था। शुक्रवार को लड़की अपनी मां के साथ एसपी ऑफिस पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित का आरोप है कि बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति ने पुलिस से सांठगांठ कर थाने में उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखवाने दी। मध्य प्रदेश में मौसम में अचानक आए बदलाव के चलते दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। धूप भी चुभ रही है। ज्यादातर शहरों में पारा 28 डिग्री के पार पहुंच गया। हालांकि रात में कड़ाके की ठंड का असर बरकरार है। खासकर पचमढ़ी, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर समेत प्रदेश के 20 से ज्यादा शहरों में पारा 10 डिग्री के नीचे ही चल रहा है। पचमढ़ी सबसे ठंडा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने गजब प्रदर्शन किया। भोपाल के रहने वाले देव बीणा ने स्वर्ण पदक हासिल करते हुए पोल वॉल्ट में 4.91 मीटर की दूरी पर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसी के साथ मध्य प्रदेश ने एथलेटिक्स, योगासन, तीरंदाजी और वाटर स्पोर्ट्स समेत तमाम खेलों में कुल 25 पदक हासिल किए, जिसमें 14 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल है। उज्जैन में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर ग्रामीणों ने जमकर पथराव कर दिया। पुलिस की गाड़ियों के कांच फोड़ दिए। मामला उज्जैन जिले की घटिया तहसील के चितरखेड़ी का है। पुलिस और प्रशासन की टीम शुक्रवार को यहां अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। एसडीएम संजय साहू ने बताया कि गांव में किसी ने सरकारी जमीन पर डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाकर तार फेंसिंग कर दी और उस पर अतिक्रमण कर लिया था। शिवपुरी के बदरवास अनुविभाग की ग्रामीण अंचल में इन दिनों दहशत का माहौल है। कुछ रोज पूर्व सिंगाखेड़ी गांव में एक काले हिरण का शव मिला था। आज सिंगाखेड़ी गांव से सटे हुए गांव बरखेड़ा गांव में एक काले हिरण का शव मिला है। दोनों ही काले हिरण का शिकार किसी जंगली जानवर द्वारा किया गया है।